टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न। देखिए, ऊपर के पोजीशन पे हमेशा उत्तर दिशा रहती है, इसके अपोजिट में दक्षिण रहती है, यहाँ पे पूरब रहता है और यहाँ पे पश्चिम। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, बस इतना याद रखना है अपने को। ये देखिए, इसके बीच में आया तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तर, यहाँ से ले लेंगे यहाँ से पूर्व, और इसके बीच में आया पूर्व और दक्षिण बीच में आया तो यहाँ से दक्षिण, यहाँ से पूर्व, लेकिन दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम, और यहाँ से अगर आया उत्तर और पश्चिम के बीच में इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। जहाँ दाहिने बोले वहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज घूमना है, या तो घड़ी की दिशा में बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, क्लॉक कैसे घूमते हैं, इस पोजिशन में गए यहाँ से, फिर नीचे आए, फिर यहाँ फिर इस साइड गई, फिर यहाँ से ऊपर। जहाँ बायां बोले या बाएं बोले वहाँ हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। बस इतना हमें याद रखना है। इसके अंदर बस चार टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे टाइप नंबर पहला हम लोग देख लेंगे, बता लें, डिस्कस कर लेंगे। पहला जो टाइप रहेगा हमारा, टाइप नंबर पहला, इसमें दिशा कौन सी दिशा में है वह कितनी दूरी पे है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और टाइप नंबर दूसरे में जैसे है कि जो दोनों के बीच में कितने अंश या डिग्री का, डिग्री से संभव होते हैं का कोण बनेगा। और थर्ड टाइप में पूछता है सुबह व शाम वाले प्रश्न, सुबह व शाम वाले प्रश्न, जैसे कि दो व्यक्ति हैं आमने सामने खड़े हैं और सूर्यास्त का समय है, तो वो इसकी परछाई उस तरफ और उसकी परछाई इस तरफ, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और टाइप नंबर फोर्थ जो है, इसमें देखिए कोई व्यक्ति है बहुत बार दाएं व बाएं घूमता है, लेफ्ट राइट करते रहेगा, तो इस तरह से चार तरह से प्रश्न बनते हैं। जो पहला टाइप था दिशा व दूरी, दूसरा टाइप था दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, और तीसरा टाइप है सुबह व शाम, और चौथा टाइप है दाहिने व बाएं कितनी बार घूमता है। यहाँ हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो टाइप नंबर पहले वाला है उसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, फिर अगले टॉपिक में दोनों के बीच में कितने कोण बनेगा वो देखेंगे। मतलब तीन चार वीडियो इसके ऊपर बनेगा, छोटा छोटा, दो दो तीन तीन मिनट का। जैसे क्वेश्चन दिया है कि राज्य 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए, यहाँ से मान लेते हैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है। 10 किलोमीटर ऊपर गया था, यहाँ से 6 किलोमीटर वापस आया, ये 6 किलोमीटर, ये दूरी जो बचेगी ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर जो है पूरब की हो जाता है, तो 3 किलोमीटर जो है पूरब की हो जाता है। यहाँ से बताइए वह कौन सी दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। देखिए, ये कौन सी दिशा में हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, और कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे यहाँ पे सिंबल, ये लाइन, और यहाँ पे देखो 90 अंश का है, तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है यहाँ पे, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, इसको हम लोग मान लें यक्ष दूरी है, तो यक्ष का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यक्ष का स्क्वायर बराबर 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9, दोनों को ऐड करके कड़ी में लेंगे। यक्ष की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, तो कड़ी में 25, यक्ष बराबर जो है दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा
10 किलोमीटर जाता है। मान लिए व्यक्ति अगर यहाँ पे है, यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से दाहिने दाहिने मतलब घड़ी की दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर आता है, तो ये दूरी है 3 किलोमीटर जाता है। फिर वहाँ से दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है जाता है, तो ये जगह 6 किलोमीटर। अब वह अपने घर से कितनी किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो ये दूरी हमसे पूछा है। देखिए बना लेंगे यहाँ पे, ये भी दूरी देखो आई आयत हो जाएगा, तो इसकी दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी यहाँ से 6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। फिर सेम यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे इसको यक्स मान के, तो यक्स का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, यक्स बराबर 16, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, यक्स की जो वैल्यू है यहाँ से कड़ी में भेज देंगे 25, ये जगह दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए +5 किलोमीटर दूरी है। और डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा दिशा जो है ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की तरफ व्यक्ति है। देखिए इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब घड़ी की दिशा में, और 15 किलोमीटर चलता है, और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ के 23 किलोमीटर, ये जाएगा 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। आप हुआ अपने घर से किस दिशा में है, ये अपने घर से जाएगा उत्तर पूर्व में, अगर नॉर्थ ईस्ट में है, अगर ये दूरी पूछेगा तो ये दूरी हो जाएगा 15, ये 13 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमसे पूछा यहाँ पे है कौन सी दिशा में है। इसे अगला क्वेश्चन दिया है, अमन ने अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, जो अमन है यहाँ से उसका घर है और 10 किलोमीटर पूर्व में जाता है, चलने के बाद फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यह जगह भी नीचे, और कितना चलता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल से चलता है, ये बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा, अभी अभी यहाँ पे आ चुका है, अब इस तरफ जाएगा, बायां बोला था ना यहाँ पे 10 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर जो है इस तरफ घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा 5 किलोमीटर, फिर आगे क्या बोला है कि बाएं मुड़कर फिर से 10 किलोमीटर जो है साइकिल से चलता है, तो 10 किलोमीटर जो है साइकिल से चलता है। तो आगे क्या पूछा है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिए इसका ये घर हो गया, यहाँ पे व्यक्ति है, तो ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर रहेगी, तो पहला जो है 5 किलोमीटर है दूरी पे अपने घर से, कुल दूरी तय की गई, देखिए व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई है, अमन द्वारा ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, टोटल 25 किलोमीटर दूरी तय किया है। दिशा में पहुंचा है कौन सी दिशा में, इस समय है व्यक्ति उत्तर दिशा में है, और किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है पश्चिम साइड, इसे अगला क्वेश्चन दिया है, रोशन ने अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ये रोशन हो गया 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तर्क अनुसार वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है, तो इसका घर यहाँ पे था, अब ये पहुंच गया है दक्षिण दिशा में, और ये जो दूरी है ये 2 किलोमीटर की घर से दूरी पर है,
और कुल कितनी दूरी तय की है, देखिए फिर ऐड कर देंगे, 2 धन 2 धन 2, 6 किलोमीटर कुल दूरी है। और किस तरफ वो कार्यरत है जाने के लिए, पश्चिम साइड। इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। देखिए 4 किलोमीटर जो है पूर्व में चल के बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है, फिर ये 4 किलोमीटर बाएं मुड़ के फिर चलता है। वह किस दिशा में उन्मुख है? देखिए ये जा किस दिशा में रहा है, ये जा रहा है पश्चिम साइड, पश्चिम दिशा में कार्यरत है। और जो दूरी है ये वाली, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। और व्यक्ति द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, 4 धन 4 धन 4, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो हम लोग नहीं करते, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। जिसे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपने कार्यालय से चलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए ये कार्यालय हो गया, यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ के, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से जो है व्यक्ति की दूरी है 3 किलोमीटर, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर, और वह दिशा में किस में है, उत्तर दिशा में है। इसे क्वेश्चन दिया है कि नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर जाने के बाद वह क्या करता है, बाएं घूमता है, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और जाता है 30 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि वहाँ से पुनः फिर बाएं मुड़ता है और जाता है 20 मीटर, प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति 30 मीटर दूरी पे है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिया है आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखिए अपने चलने की दिशा में, दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में वह अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए पहले इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए बाएं बोला, बाएं 45 डिग्री बोला, तो देखिए व्यक्ति इस साइड जा रहा है, यहाँ से 45 डिग्री देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और दाहिने बोला, दाएं 45 डिग्री, तो यहाँ जाता रहेगा, ये इस साइड 45 डिग्री घूम जाएगा। अब आगे हम लोग इसको क्वेश्चन डिस्कस आते हैं, क्वेश्चन पे आ गए हम लोग फिर से वापस। तो देखिए जो है आशीष का है पूरब की ओर चलना प्रारंभ होता है, तो इस दिशा में जा रहा है आशीष, अपने चलने की दिशा में वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, 135 मतलब 90 धन 45, तो 90 देखो यहाँ हो जाएगा और 45 ऐसा, मतलब कि इस दिशा में ये कार्यरत है, ये हो जाएगा 135 डिग्री। अब आगे क्या पूछता है, और चलना प्रारंभ करता है, अंत में वह अपने चलने की दिशा से दाहिने घूमता है, क्योंकि ये 90 अंश जाएगा, यहाँ से अब व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी मतलब ये ऊपर दिशा में जाएगा और ये जाएगा 45 डिग्री, चलना प्रारंभ करता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये जाएगा 90 अंश, यहाँ से व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, या 45 अंश, तो ये जा रहा है उत्तर की ओर। हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा नॉर्थ।